इससे पहले तो सर हमारा गांव ना भरवाड़ा था, आज हमारा गांव सर नगर पंचायत में आया, क्या आप खुश हैं इससे? खुश है, जब नगर पंचायत आने के बाद फोन आगे भी जी। आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक्स। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेरा जो मोटिव है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का प्यार और गांव का जो सम्मान है वो मैं ने बहुत ही अच्छा प्यार और हमारे गांव समाज के लोग ने हमें बहुत ही सपोर्ट भी करने के लिए सोच लिया है, हमारे इस चैनल को ग्रोथ कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत ही बनाने का कुछ ट्राई किया था, तो मैं सोचा नहीं था कि यहाँ के लोग हमें इतना सपोर्ट करेंगे और इस चैनल पर आकर के अपने भाव को बताएंगे अपने जनता के साथ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो से जुड़ा ही हुआ एक ऐसे लोग, एक ऐसे नया चेहरा, एक ऐसे के लिए आज बुलाया हूँ, उनका नाम है शंभू साहब, उनको तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जो सर इतना अच्छा और हमें सर सपोर्ट करने के लिए आप सर आए हैं, मैं बहुत ही बेहद ही खुश हूँ आपसे और हमारे इस चैनल के माध्यम से जो मैं आज कुछ सोच करके यहाँ बैठा हूँ आपके सामने में सर, और बहुत सारे मेरा जो विचार है ना सर बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही अच्छा सोच करके इस चैनल को बनाया हूँ, और बनाने का कारण यह है कि लोगों तक, जन जन लोगों तक संदेश पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि जो खड़ा हो रहे हैं उसमें कैसे कैसे लोग और क्या क्या करने का विचार कर रहे हैं, वो चीज़ के लिए मैंने सर यहाँ पे आपको बुलाया हूँ। जो आप सर, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और बहुत ही बेहद खुश हूँ आपके विचार को देख करके, जो आपने इस छोटे से बेटा की लाइफ में जो आपने मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ तक आया है, तो इसके लिए सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल पर? जी, मैं शंभू कुमार साहब जी, भरवाड़ा नगर पंचायत उपमुख्य पार्षद उम्मीदवार, मैं इस राजनीतिक में पहले बार आया हूं और पूरी ग्राम नगर पंचायत की व्यवस्था को देखते हुए इस चुनाव में पहली बार हूं, और मैं चाहूंगा कि जो भी सरकारी योजना हो जो गरीब के लिए है, गरीब को मिले, जन जन तक इस योजना को पहुंचाने का काम करूंगा। सर बहुत अच्छा सर आपका सोच है सर, ये सोच आपको सर भगवान करे, और हम भी चाहते हैं कि बहुत दूर तक लोग समझे और लोग इसके बारे में विचारे और अच्छे आदमी को वोट दे करके जिताए, और क्या है कि अपना वोट को भी बर्बाद ना करे, मेरा यही मुद्दा है इस चैनल पे आपको बुलाने का। और सबसे पहली बात है सर कि लोग मत के बहुत सारे खड़े हैं, आप देख रहे हैं सर बहुत सारे इस कैंडिडेट के लिए खड़े हैं, लेकिन आपका क्या विचार है सर, आपने इस अपने जनता के लिए क्या सोचा, आप क्या क्या करेंगे? जनता के लिए मैं हर संभव जी, मैं हमेशा तैयार रहूँगा जी, मैं बगल पड़ोसिया हूँ जी, और मैं हमेशा घर पर रहने वाला हूँ जी, जब वो खोजेंगे मुझे मैं घर पर मिलूंगा जी, और जहाँ तक मुझे सहयोग होगा, मैं आम जनता हो हाँ, मैं इनका सहयोग करूँगा, और हमसे न हो पाने पर मैं इनके आगे का रास्ता दिखाऊंगा जी, रास्ता दिखाऊंगा। ये जो आपका जो सोच है ना बहुत आगे तक ले जाएगा, और ये सोच अगर सबके अंदर आ जाए ना सर तो सब एक दिन सफल हो जाएगा। और मेरा जो आपका जो विचार सर हम सुने ना बहुत खुश हुए कि आपका जो विचार है सर सच में। बहुत ही मतलब लाइक है और बहुत ही लोग भी इस लाइक करेंगे आपके विचार को। और सबसे पहला सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर, आपके पिताजी का नाम और कहाँ रह रहे हैं और कुछ बिजनेस विजनेस के बारे में, तो सबसे पहले आप अपने बारे में सर थोड़ा सा अपना नाम बताइए कि लोग आपको जाने। मैं शंभू कुमार साहब उपमुख्य पार्षद उम्मीदवार हूँ, वार्ड नंबर 7 में मैं स्थायी हूँ, और मैं बिजनेस करता हूँ, हार्डवेयर दुकान मेरी है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र शाह है, और टेलीफोन एक्सचेंज के बगल में मेरी दुकान है, घर है जी। सर बहुत अच्छा है सर, बहुत ही आप जानते हैं कि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने गांव समाज के लिए सर सेवा जरूर करेंगे, और जनता भी उम्मीद करेगा आपसे कि आप हम जनता का सेवा जरूर करें। और सर आपने सर अपने माइंड में क्या क्या विचार रखा है कि जनता को हम किस तरह से किस काम से आगे हम बढ़ाएं, और हमारे समाज में अभी क्या चीज़ का कमी है जिसको हम पूरा कर सकेंगे? देखिए, मैं बहुत से प्रतिनिधि है जी, कितना बार जीते हैं, कितना बार आए हैं, तो क्या किए इस समस्या को जी, गरीब गुज्जर समस्या को दूर करने के लिए मैं इस बार पहली बार जी हाँ मैं प्रतिनिधि बना हूँ जी, और आम जनता की वोट होगी, मैं सफल होऊंगा तो मैं
सबसे पहले जो सरकारी योजना आवेगी मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। सही है ये सोच सर, सच में सही कहीं आपको सफलता की तरफ ले जा रही है। और जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो पब्लिक हैं इस चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, सच में आपके बारे में कुछ अच्छा विचार करे, ये मेरा भाव है सर। आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में सर, आप कुछ बताएंगे कि जो मैं ये स्टार्ट किया हूँ उसके बारे में क्या अच्छा जाएगा? जी नहीं, आपका भी वो प्रोग्राम होगा अच्छा होगा जी, और जन कल्याण का वो काम आप कर रहे हैं जी। हाँ, और अच्छे प्रतिनिधि को इससे मौका मिलेगा जी। और ये करने का सर मेरा बहुत ही बड़ा विचार है कि लोग ना कम से कम ये ना कहे कि होता ना, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे चीज पेपर में डालते हैं पंपलेट करते हैं तो लोग उतना उसको ध्यान नहीं देता है। मेरा सोच यही था कि हम यहाँ बैठा है और आपस में बातचीत करें और उससे क्या होगा जनता गौर से इसको सुने और सुनने के बाद तब अपना अधिकार, क्योंकि देखिए मत देना किसी का अपना अधिकार होता है, कोई छीन नहीं सकता। जिसको दे कम से कम ऐसे लोग को दे जो काम करे, क्या सर जी, मेरा कहना गलत है? नहीं, अच्छी नहीं। अच्छी मैं यही सोच करके सर यहाँ पे आपको बैठाया हूँ कि आपके मन में क्या भाव चल रहा है, कि हम जनता के लिए बहुत सारा चीज सोचे हुए हैं, उसमें कुछ कुछ आप हमारे समाज या हमारे गाँव के लिए क्या क्या ऐसा विकास करेंगे उसके लिए बताएंगे आप? मैं इससे पहले तो बार लिखा चुका हूँ जी, मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं भरवार नगर पंचायत की समस्या को लेकर इस बार मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ जी, और मेरी हमेशा प्रयास रहेगी जीतने के बाद वो घर घर जन जन तक जी हाँ मैं योजना तक पहुंचाऊंगा। ये सर बहुत अच्छी बात, जैसे कि सर देखिए आज के समय में हमारे यहाँ सर शिक्षा का सर बहुत ज्यादा ही महत्व होते जा रहा है, और आपके समय में अभी के समय में क्या आपको शिक्षा में कितना अंतर लग रहा है कुछ हमारे दर्शक को बताएंगे? शिक्षा में तो पहले से सुधार है, है। और इस पर आप ऐसे व्यक्ति अगर जुड़ेंगे शिक्षा और आगे जाएगी। वो तो है सर, आप लोग का आशीर्वाद है सर। मैं बहुत कोशिश अपने तरफ से कर रहा हूँ कि जहाँ कमी है जिस चीज में हम उसको पूरा करने के लिए जो मैं इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करने का जो चालू किया हूँ, यही सोच करके जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि लोग जाने कि कहाँ हमारे में कमी है और कहाँ से पूरा होगा। तो पूरा होगा सर आप जैसे लोगों से, ये तो पता है। जब तक देखिए होता है ना सर, कोई नए फेस अगर हमारे यहाँ अगर एक बार चांस नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? इसीलिए मैं भी कहना चाहूंगा इनके लिए और इनके मतलब कि इनके लिए आप लोग कम से कम एक बार जरूर देखें और इनका फेस याद रखें। 28 तारीख बहुत जल्द आ रहा है, आप लोग जरूर से जरूर सर वोट दें। और सर एक क्वेश्चन और सर, बहुत अच्छा बात हम लोग कर ही रहे हैं तो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि सर आज ना वोटिंग का जो सर रेटिंग है ना बहुत कमता जा रहा है, लोग ना वोट कम देना चाहते हैं, कारण क्या है इसका सर? इसलिए वोट कम होती है जी, कि जहाँ तक हाँ ये सरकारी योजना पहुंचनी चाहिए आम जनता को वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये भी बहुत बड़ी बात बताया आपने सर, क्योंकि देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ना सर वोट सोचता नहीं, अरे जाने दो, देख रहे 100% में से कितना परसेंट 60% 56% 70% ऐसे वोट दे रहे लोग, तो फिर वो 30% गए कहाँ? अरे कुछ तो प्रदेश भी रहते हैं जी, मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ और जनता का आवाज देखता हूँ। जनता में कमी नहीं है, नेते में कमी थे हाँ। जो प्रतिनिधि भूतपूर्व पर लिखित कुछ ऐसे लोग नहीं खड़े हो पाते हैं कि जो वादा सही से निभा पाए, इसके कारण भी लोग का सर ये हो सकता है। जो मेरा मोटिव है सर, कुछ अलग विचार हो तो आप दे सकते हैं। मैं तो जनता से यही कहूंगा जी, आप मुझे वोट दें, मैं आपको विकास दूंगा जी। ये सर बहुत अच्छा आपका मोटिव है। और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने के बाद अभी जो रूप है हमारे गोनू ग्राम भरवाड़ा का, उसका कहीं रूप कहीं चेंज होगा? हाँ, परिवर्तन जरूर होगी जी, होगा। जिससे कि सर कुछ एग्जांपल दीजिए क्या क्या चीज में मतलब कि आप चेंज करेंगे? चेंज सबसे पहले बात वो नगर निकाय में आ गया है, समझे? नगर निकाय आने के बाद विकास फंड तो अधिक से अधिक अवे करेगा जी, अधिक आने के बाद वो जहाँ जहाँ जो चीज कमी है जी वहाँ तक आप मैं काम वहाँ तक पहुँचाऊंगा जी सर। और मैं बहुत सड़क घूम रहा हूँ, चलने लायक रोड नहीं है जी, नाला नहीं है हाँ। सड़क पे मानी पानी नहीं जा रही है, पानी बाहर है सड़क पे सर हाँ। बिजली तो मिला जुला के ठीक रहती है हाँ। मगर नाला हाँ। और रोड की समस्या हमारे भरवाड़ा नगर पंचायत में है सर। और सर मतलब बहुत ही अच्छा सर, आपने हर सवाल का सर जवाब बहुत ही खुशी और बहुत ही श्रद्धा भाव से दिया है कि जो आप करेंगे सर वही बोल रहे हैं मेरे साथ। ये सर सही बात, हमको भी लग रहा है कि हाँ सर आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट के लिए सर आप फेस हुए हैं। और कहते हैं ना ऊपर वाला है ना सर बहुत बड़ा उनके पास दिल होता है, और वो कुछ ना कुछ ऐसे आदमी को लाते हैं कि जो कुछ अच्छा कर सके, और मुझे भी उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करके दिखाएंगे। और मैं सर यही आपसे सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर
इसके बारे में एक चीज और है सर, क्या उस दोनों में सर क्या डिफरेंस रहा? जैसे कि हमारे गांव में जैसे कि होते थे पहले मुखिया सरपंच, और अभी सर हमारा ना जो है ना नगर पंचायत बनने के कारण उसमें काफी बदलाव तो होना चाहिए, उसमें क्या आपको लगता है कि काफी हद तक अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा जी सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। और सर एक चीज और कि देख रहे हैं आज हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे गांव जो है ना सर नगर पंचायत भरवारा वो सर आज बिजनेस का सर एक स्रोत बनता जा रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो सबसे पहले बात भरवारा जी जो नगर पंचायत है वो बिजनेस का मेन स्थान है जी, और यहाँ पे बहुत चीज कमी भी है जी समझे। हाँ हाँ। और मैं लगभग एक महीना से क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ जी, और हर डोर टू डोर हर एक आदमी से मिलता हूँ, वो अपना समस्या रखते हैं, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ आप मुझे जिताइए और मेरे यहाँ मिलिए, मैं अपना पता देता हूँ अपना नंबर देता हूँ और वहाँ मिलिए आपकी समस्या तो मिल होगा सर। ये सर बहुत अच्छा बात है सर, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सर बहुत ही खुश रहें जिस तरह से अभी आप खुश हैं, और मैं जनता से भी कोशिश करूंगा कि जनता भी आपको आशीर्वाद दे। आप सर किस तरह से जनता को कुछ कहना चाहते हैं? जनता को वही मैं यही कहूंगा अच्छे जिताबे जो आपके लिए काम कर। और सर एक चीज सब कुछ तो बात कर लिए सर, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बताएंगे आप किस वोट है, मतलब आपका चुनाव चिन्ह क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैं उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार हूँ जी, मेरा टेबल फैन छाप है जी, क्रमांक संख्या 6 पर है, मैं मुख्य पार्षद हूँ, मुझे पूरी पंचायत की वोट चाहिए। पंचायत की वोट, ये सर कमी रह गया था, इस चीज को हम सर जोड़ना चाहेंगे कि सच में सर, और हम भी चाहते हैं और हमारे जितने भी लोग हैं आसपास के सब चाहते हैं कि आप जीते और इसमें सक्सेस जरूर है, ये भगवान का भी सर मनोकामना अगर पूरा हो तो फिर सर आप सच में एक अच्छे व्यक्ति भी है, और आपको सर सब लोग मिल करके हम लोग मिल करके आपको सपोर्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और सर एक चीज और सर, आप अगर जीतते हैं तो क्या आप जनता को इस चैनल के माध्यम से फिर कुछ उसको बधाई दीजिएगा? मैं डोर टू डोर जाकर मैं इनसे मिलूंगा, हमें इस चैनल के माध्यम से आप कुछ बताइए, फिर बताऊंगा दोबारा बताएंगे दोबारा बताएंगे सर। ये सर बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ मिल करके, आप कुछ सर जनता को भी कुछ मैसेज देना चाहें लास्ट पर एट लास्ट कुछ भी आपके मैं जनता से मैं ये आग्रह करूंगा जी कि अच्छे आदमी को जिता दे जी, अपना वोट सर बर्बाद ना करें, बर्बाद ना करें, जिधर झुकाव है उधर आप भी झुक जाए क्या, और झुकाव को नहीं अगर कुछ अगर नया चेंज करने का अगर मन है तो कुछ एक बार नया फेस जरूर दे, और इनके मत इनके लिए और इनके हित में एक बार जरूर सोचे, ये बहुत ही ईमानदार एंड कर्मठ लोग है जो आपके लिए सेवा में 24 घंटा रहेंगे, नहीं ना सर जी, जी। सर बहुत खुशी हुआ कि आप, मैं अभी भी जाते जाते वक्त भी सर अब तो अंतिम चरण आ चुका है, और सर मैं जाते जाते भी आपसे यही बोलूंगा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चरण पे आने का मतलब कि आकर के मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आया, और आने के बाद सर आप हमको सर, आप मेरे बारे में कुछ बताएंगे सर कि इस चैनल के माध्यम जो लोग कुछ गलत ना सोचे इस चीज को लेकर के, कहीं आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? गलत क्या सोचे, वो अच्छे चीज के लिए आपको काम कर रहे हैं जी, जो जन जन तक पहुंचेगा उसके लिए आप काम कर रहे हैं बस जी जी, बस यही सर यही उम्मीद करता हूँ सर। थैंक यू सर, आपने इसमें आकर के थोड़ा दिन मात्र सर 10 से 15 मिनट के लिए जो आपने इतना अच्छा अपना मूल्य समय दिया उसके लिए मैं सर बहुत बड़ा आभारी हूँ आपके लिए सर, थैंक यू सर।